हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक तरफ जहां त्योहारों का मौसम, दूसरी ओर बच्चों के एग्जाम्स का मौसम है, और या तो किसी किसी के एग्जाम शुरू हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। और जैसे ही एग्जाम्स आते हैं तो स्टूडेंट्स हो, उनके पेरेंट्स हो, सब टेंस्ड होने लगते हैं। जैसे पुराने ज़माने में युद्ध के पहले घर का माहौल हुआ करता था, वही हाल आजकल घरों का हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है पेरेंट्स का सोशल सर्कल। पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि उन्होंने बड़े शौक से जिस जिगर के टुकड़े को पैदा किया था, अपने अंश को पैदा किया था, वो कोई मार्कशीट नहीं है। और एग्जाम्स आते ही बच्चों को डांटना, मारना, चिल्लाना, ताने मारना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो ये चीज़ें बचपन से देख देख कर बड़े होते हैं। और फिर जब वो स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उनका भी यही स्वभाव बन जाता है। हर बात में डरना, एग्ज़ाम से डरना, बेहतर करने का दबाव होना, खुद को साबित करने का दबाव होना, उनके भीतर ही भीतर वो वैसे ही परेशान होने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और उस कई बार आजकल तो बच्चों में इतना डिप्रेशन आ जाता है जो कि जानलेवा हो सकती है। अपने बच्चों के सामने आपको शुरू से ये चीज़ मार्क करके रखनी चाहिए। अगर आप पेरेंट हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डर को कभी भी जाहिर नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका बच्चा फेल हो जाए, मैं मान सकती हूँ। हो सकता है बच्चा कम तेज हो सकता है बच्चा शैतान हो, पढ़ता नहीं है, हो सकता है उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन आप उसको ऐसे डरा करके ये प्रूव कर रहे हैं कि वो बच्चा किसी लायक नहीं है। उसके अंदर का जो आत्मविश्वास होता है, क्या कहते हैं, पेरेंट्स जब बच्चे पर विश्वास करते हैं तो बच्चों का आत्मविश्वास वैसे ही हाई हो जाता है। लेकिन अगर आप हर वक्त बच्चे को डराते रहेंगे कि तू कर नहीं सकता, तू कर नहीं सकता, तू कर नहीं सकता, ये चीज़ उसके अंदर बैठ जाएगी दिमाग में कि वो कुछ कर नहीं सकता। बच्चों को हमेशा, पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी टेंशन, अगर आपको डर भी लग रहा है बच्चे की, तो उस डर को बच्चे को जाहिर ना करें। आप अपने बच्चों के व्यवहार पर नज़र रखें, कहीं ऐसा ना हो वो आपसे ज़्यादा घबराया हुआ हो। आजकल आप भी सुनते हैं कैसे कैसे न्यूज़ आते हैं, बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में अगर अनसक्सेसफुल होते हैं, फेल हो जाते हैं, तो डर और शर्म से माता पिता के, खासकर ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता को घर जाके क्या जवाब देंगे, उस लायक नहीं है, माता पिता लोगों को क्या जवाब देंगे, ये शर्मिंदगी से वो गलत कदम उठा लेते हैं। बच्चों को इस हद तक शर्मिंदा ना करें कि एक मौका अगर ज़िंदगी में वो अनसक्सेसफुल हो भी गए तो उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाए। बहुत लाइफ है, लाइफ पड़ी है, बहुत मौके हैं। आप ध्यान रखें, वो आपके अगर अंश हैं तो वो जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो आपकी जीन्स हैं, वो आपके संस्कार हैं। इसलिए बच्चों को दोष ना दें, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने माता और पिता, गुरु, इन सब का आदर मान सम्मान सदा करें, आशीर्वाद ले, ताकि उनकी जो पॉजिटिव ऑरा है वो आपके अंदर आ सके। मैं हमेशा एक बात जानती हूँ कि आज आप 30 साल के हैं या 31 हैं, या हो सकता है आप मेरी बात सुन रहे हो 50 साल के हों, 51 साल के हों, या फिर आप 18 साल के हों। ध्यान रखें, एक सर्टन पॉइंट आता है लाइफ में, जैसे कि 27-28 या 28-29 साल, जब ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता है एक साल ऊपर नीचे में। जब आप 4 या 5 साल के होते हैं तो 4 और 5 में एक साल बहुत मैटर करता है, लेकिन जब आप 30 और 31 के हों तो आपको एक साल फर्क नहीं पड़ता। तब जब आप सेटल्ड होते हैं तो लोग आपको कैसे देखते हैं, जब आपका करियर डेवलप हो जाएगा तो एक साल ऊपर नीचे मैटर नहीं करेगा। क्या मैटर करेगा तब, आपको कितनी नॉलेज है, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी परफॉर्मेंस लेवल क्या है, आप कैसे बिहेव करते हैं, लोग वो देखेंगे। और वो कैसे आती है, जब आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझते हैं, आप अच्छे से पढ़ते हैं। आजकल आप देखते होंगे सड़क पर चेस या लूडो का गेम होता रहता है, सारे लोग खेलते रहते हैं। मैं आश्चर्य करती हूँ, रोड पे लोग बाइक लगा करके उस पर बैठ के लूडो खेल रहे होते हैं। एक ही चीज़ रिपीटेडली क्यों करते हैं लोग, उसमें भी तो मैथमेटिक्स है। लेकिन अगर उनको स्कूल में बोला जाए मैथ्स करने तो उनकी टाइम टाइम फिश हो जाती है। लूडो में भी मैथमेटिक्स है, या चेस खेलते हैं उसमें भी मैथमेटिक्स है, दांव है, कैलकुलेशन है, पर वो आसान लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि बार बार आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। जब आपने पहली बार लूडो खेला होगा तब शायद आपको गोटी काटनी या कैसे करना है वो समझ नहीं आता, लेकिन बार बार खेलने पर उसके दांव समझ आने लगते हैं, कैलकुलेशन समझ आने लगती है। इसलिए बच्चों को भी बार बार, या आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ नहीं आती है उसको बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों से सख्ती से पेश ना आए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, कौन से सब्जेक्ट्स में वीक है वो समझे और शांतिपूर्वक उनको गाइडेंस दिला करके उसका समाधान करें। इस तरह से जब उनको आपका सपोर्ट मिलेगा तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ना सिर्फ आप उनके व्यवहार में बदलाव आएगा बल्कि इससे उनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और जब बच्चों में पॉजिटिविटी बढ़ती है तो वो सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। इसलिए बच्चों को डांटे मारे नहीं, उनको डराएं नहीं, प्यार से उनको बताएं, डर लगता है तो बोलें कि नहीं तू जीतेगा, अहम ब्रह्मास्मि, इसके ऊपर मैंने दूसरा वीडियो दिया हुआ है दोस्तों, वो बच्चों को ज़रूर सुनाएं उस वीडियो को। और ध्यान रखें बच्चों को बचपन से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए आपको सूर्य देवता को जल जरूर चढ़वाना चाहिए। जो भी पूजा पाठ में मानते हैं, जो भी सूर्य देवता को जल चढ़ाना प्योर वैज्ञानिक है, इसलिए बच्चों को सूर्य देवता को जल रोज नियमित रूप से सभी स्टूडेंट्स को चढ़ाना चाहिए। सूर्य सक्सेस के देवता माने जाते हैं। जो भी लोग रोज सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य देवता को सुबह 8-9 बजे के पहले जल अर्पण करते हैं, उन स्टूडेंट्स को कोई हरा नहीं सकता, इस बात की बिल्कुल गारंटी होती है, उनकी हर ओर जीत निश्चित होती है। रिसेंटली मैं एक मम्मी से मिली, वो अपने सिर पे बाम लगा करके कपड़ा बांध करके सिर पकड़ के बैठी हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तबीयत खराब है आपकी? कहती है बच्चों के एग्जाम्स है। अरे बच्चों के एग्जाम्स है तो आप इतने तनावग्रस्त क्यों हैं? आप बच्चे से ज़्यादा तो आप तनावग्रस्त हो रहे हैं और ये हर शायद आज की मम्मियों की प्रॉब्लम है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने स्ट्रेस पैदा किया हुआ है घर पे और आप जो स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं आपका बच्चा उसको देख देख करके ज़्यादा स्ट्रेस हो जाने वाला है। समझें बच्चों को सबसे ज़्यादा अधिक परेशानी है, हो सकता है उसके कमज़ोर है याददाश्त, उसको याद नहीं रहता और बच्चों को स्पेशली जब एग्ज़ाम आता है तो उनको लगता है कि कुछ याद नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको रास्ता निकालना चाहिए। स्ट्रेस्ड होकर के सिर पे बाम पट्टी लगाने के बजाय आप बच्चे के साथ बैठें और बीच बीच में उसको क्वेश्चंस फेस करने को दें। जैसे कि बड़ा है सिलेबस, अगर ज़्यादा है तो आप एक चैप्टर लें या एक पर्टिकुलर टॉपिक लें। बच्चा बोले कि उसको याद नहीं रहता या आप खुद स्टूडेंट हैं आपको लगे कि आपको याद नहीं रहता है तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लें या एक चैप्टर ले लें और फिर पूरा उसको रीड मारें, बहुत अच्छे से रीड मारें, 1-2 बार उसको चैप्टर को रीड मार लें। अब आप उसमें से बैक क्वेश्चंस या जो भी आपके पास क्वेश्चंस है उस चैप्टर से रिलेटेड उसको आप फेस करें, कोई भी एक क्वेश्चन आप देखेंगे इंस्टेंटली आपको पता होता है कि इसका आंसर क्या है। अगर आपने सिर्फ 1-2 बार पढ़ा है, चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपको कम से कम ये पता होता है कि चैप्टर में किस जगह वो आंसर आपको मिल सकता है। इससे आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई शूट अप करता है। इसलिए हमेशा बड़े कोर्सेज को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटें और फिर जब वो पूरा हो जाए तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस खुद को पूछें या फिर अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को 1-2 क्वेश्चंस फेस कराएं। साथ ही साथ जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमज़ोर है, अगर कोई बच्चा है उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है तो तुलसी के 11 पत्तों का रस मिश्री के साथ नियमित रूप से लेना चाहिए और आप चाहें तो मिश्री और तुलसी एक साथ में खा भी सकते हैं, लेकिन तुलसी के पत्ते अधिक हों इस बात का ध्यान रखें। थोड़े मार्क्स कम या ज़्यादा आने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लेट्स सपोज या कोई भी कॉम्पिटिशन्स की और उसके पहले आपके प्रीलियम्स हुए हैं और वो ख़राब हो गए हैं उसके रिजल्ट्स, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अक्सर क्या होता है जो प्रीलियम्स होते हैं उसमें टीचर्स कम मार्क्स देते हैं ताकि आप मेंस में अच्छा परफॉर्म करें। इसलिए कभी भी डर कर आपको एग्जाम से तनाव में नहीं रखना चाहिए। आप कितना सीखते हैं, कितना समझते हैं किसी भी टॉपिक को, ये फ़र्क पड़ता है, उस पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किताब को रट जाते हैं, जैसे खाने को निगलते हैं ना, वो निगल जाते हैं और एग्ज़ाम में जा करके उसकी उल्टी करके आ जाते हैं। ऐसा ना करें क्योंकि इसके बाद जब आप एग्ज़ाम देके निकलेंगे तो आपके अंदर कुछ भी नॉलेज बचा हुआ नहीं हो सकेगा। हो सकता है आपको उस एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे मिल जाए, सब लोग वाह वाह कर लें, दुनिया के लिए समाज के लिए हो सकता है अच्छा हो, लेकिन आपके अपने साथ के लिए ये बहुत बहुत नुकसानदायक है। आप अगर पेपर में लिख के आ रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी लिख के आ रहे हैं और आप कंप्लीट नॉलेज के साथ लिख करके आ रहे हैं, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं, काबिल बनाएं, सक्षम बनाएं, ताकि कल जब आप दुनिया में कदम रखें तो आप एक परफेक्ट पर्सन हो और कोई भी काम को, कोई भी टॉपिक को आप समझदारी से
ढूंढ सकें। ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे समाज में एग्जाम्स को हमेशा से डर की तरह देखा जाता है, और जब किसी माँ का बच्चा डरता है तो वो खुश हो जाती है, कहती है कि अरे वाह मेरा बच्चा डर के मारे पढ़ रहा है, पता है आज तो मेरा बेटा डर के मारे पढ़ने बैठा है। ये अच्छी बात नहीं है, ध्यान रखें डर कोई गुण नहीं है। अगर आपका बच्चा डर रहा है एग्जाम के पहले डर रहा है तो ये डर आपको उल्टा बदसूरत बना देता है। आपके बच्चे के जीवन का सबसे खराब और बुरा अनुभव है क्योंकि वो डर के पढ़ रहा है और डरने में उसे ठीक से शायद वो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रही है। आपको मैं बताऊं, मेरे बचपन में मुझ में एक यही गुण था कि मैं अब कभी भी डरती नहीं थी। आगे बढ़ने से किसी भी चीज़ में, जो भी अच्छी चीज़ है उसमें आगे बढ़ने से मुझे कभी डर नहीं लगता, और मैं स्कूल में रेगुलर जाती थी। इससे क्या होता था, क्लास में जब रेगुलर हम रहते हैं, अटेंड करते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कॉलेज आने के बाद अटेंड नहीं करते हैं, कॉलेज में कौन जाता है, आप बड़ी मूर्खता करते हैं। इतने एजुकेटेड लेक्चरर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, एजुकेटेड टीचर्स आपको कम समय में जीवन के गुण बता रहे होते हैं, और उस समय आप क्लासेस बंक करके मौज मस्ती कर रहे होते हैं। आपने क्लासेस मिस की, आपने जो नॉलेज आपको आसानी से मिल सकता था वो आपने मिस की, ये बेवकूफ़ी होती है। इसलिए हमेशा ट्राई करें, क्लासेस रेगुलर अटेंड करें, बाकी आप पढ़ेंगे देखेंगे बहुत कम पढ़ेंगे तो भी आप क्लास में सबसे आगे रहेंगे। क्या होता है, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है वो दिमाग में रहता है। साथ ही मैं जब छोटी थी तो मुझे खेलने भी चाहिए था, स्कूल से आकर शाम को 4:30 बजे रेस्ट करती, पूरा जम करके खेलती थी जब छोटी थी। थोड़े बड़े हुए तो फ्रेंड्स के साथ गॉसिप मस्ती, पेंटिंग्स बनाने का शौक था, पेंटिंग्स और भी बहुत सारे क्लासेस करती, इससे मेरा माइंड बिल्कुल डी-स्ट्रेस्ड हो जाता था। ऐसा आपको भी करना चाहिए, रेगुलर लाइफ में बच्चों को एक्टिविटीज़ में भी डालें, खेलने दें उनको, खेलने से भी माइंड फ्रेश होता है। ऐसा नहीं कि स्कूल से आया खाया नहीं चलो होमवर्क करो पढ़ने बैठो, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा ना करें, माइंड को डी स्ट्रेस करें। फिर मैं जब रात को 8-9 बजे पढ़ने बैठती तो जनरल कभी 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे, कभी कभी एग्जाम्स के टाइम तो 4 बजे या पूरी रात भी निकल जाता, लेकिन उसके बाद मुझे ये पता होता था मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर सोने हैं। दोस्तों एक नियमित रूल होता है कि जब आप सोते हैं, बच्चों को पढ़ने के साथ साथ सोना भी बिल्कुल बराबर चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन एग्जाम्स के टाइम अगर आप 3 से 4 घंटा भी रेस्ट करते हैं एक दिन, तो कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, सफिशियंट होती है इतनी नींद। स्पेशली जो सीनियर क्लासेस में, वो इस बात को समझ ले, घबराए नहीं कि मैं सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ, इट्स बिल्कुल परफेक्ट, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे आकर के अपनी नींद को मेकअप कर सकते हैं। दोस्तों कल ही मैंने दिवाली पे एक वीडियो बताया था, उसमें लक्ष्मी माता की कथा बताई थी, पूरे देवता और संत जब लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से निकली थी तो उनसे शादी करने के पीछे पड़े थे। संत कहते थे मैं सबसे ज़्यादा संत हूँ, अहंकार था, माता लक्ष्मी उनके पास नहीं गई। जो देवता थे वो बोले हम बहुत बहुत पुण्य आत्मा हैं, वो लक्ष्मी माता उनके पास भी नहीं गई, किसके पास गई, विष्णु भगवान, जो चुपचाप लेटे थे और धरती का जो कार्यभार वो संभालते हैं वो संभाल रहे थे। तो लक्ष्मी माता भी उसके पास जाती है जो मेहनती होता है, कर्मठ होता है, क्योंकि वो पृथ्वी के कर्ता थे यानी कर्मशील थे। इसलिए आपको भी विष्णु बनना चाहिए, विष्णु बनो लाइफ में, विष्णु बनो, जो विष्णु बनता है यानी जो कर्मशील रहता है, हार्ड वर्क करता है, वो कभी नहीं हारता। और आज मेरी भी जीत अगर है और आप सोचते हैं कि मैं कैसे जीतती हूँ, तो मेरी भी जीत का कारण यही है, हार्ड वर्क। सब लोग मुझसे पूछते हैं आपको इतनी नॉलेज कैसे है, दोस्तों एक दिन में नॉलेज नहीं मिलती, जब आप पढ़ते हैं बचपन से पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप ध्यान से पढ़ते हैं, और चाहे आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को शांति से ग्रैप करने के लिए समय देते हैं सब्जेक्ट को, तो यही सही तरीका होता है, क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो लिमिटेड क्वेश्चंस या बैक क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे उनको, चाहे वो आईएएस के इंटरव्यू में जाएं, चाहे सीए के इंटरव्यू में जाएं, चाहे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, फिक्स सिलेबस कहीं भी उनको नहीं मिलने वाला। इसलिए बच्चों को चैप्टर रीडिंग की आदत डालें, रटने के बजाय ध्यान से पहले बच्चों को चैप्टर रीड करने दें, पॉइंट्स को मार्क करना सिखाएं। कुछ लोग होती हैं मम्मियाँ, बच्चों ने बुक में अंडरलाइन कर दी, डांटने लगती है, अरे तुमने बुक गंदी कर दी, ये गंदा नहीं है, उसे रीड करने दें, पॉइंट्स को मार्क करने दें, उसको सबकॉन्शियस माइंड में पता है कि क्लास में टीचर ने कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने को कहा था। जब वो रीड करता है घर आके उस चैप्टर को, तो उसे पता होता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं है। इसलिए बच्चों को हमेशा मार्क करने की आदत डाल के रखें।
जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है उसमें मोर पंख रखें, इससे कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है। हमेशा जो भी स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट हैं और मुझे सुन रहे हैं, हमेशा अपने पास एक मोर पंख रखें और जो भी सब्जेक्ट वीक लगे उसमें मोर पंख को आप डाल लें। जैसे घर में त्यौहार होता है, फंक्शन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे ही एग्ज़ाम को एक उत्सव के लिए तरह लें और उसमें पार्टिसिपेट करें बच्चों के साथ, उनको डराएं नहीं। डर ही ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान के अगर जीवन में ना हो तो ही वो सक्सेसफुल हो सकता है। एक डर ही ऐसी चीज़ है जो मेरी लाइफ में नहीं थी और इसी चीज़ के अभाव ने मेरी ज़िंदगी को इतना सुंदर बनाया, क्योंकि रिमेंबर डर के आगे ही जीत है। डरना क्यों है? जो अभी हुआ ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस चीज को लेके आप बैठ गए हैं और अभी से अपने बच्चों को डरा रहे हैं। जो अभी तक हुई नहीं वो डरा रहे हैं, और जो होना नहीं है शायद, लेकिन फिर भी आप उनको डरा कर वही काम करवाने जा रहे हैं। ऐसा ना करें दोस्तों। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सोशल साइंस हो, जो भी पढ़ रहे हैं वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। इन सबको अलग अलग एक भागों में बांट दिया गया, जो हमारे जीवन के आसपास घटित होता रहता है वो उनके छोटे छोटे अंश हैं। तो बस बुक्स में बहुत ही, बस प्रॉब्लम क्या होती है बुक्स में, इसको नीरसता से सिर्फ आपको काले और सफ़ेद अक्षर दिखते हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये पढ़ाई है, इसलिए उसको अच्छी नहीं लगती है। बाकी अगर उस पर्टिकुलर चीज़ को आप समझें, उसी चीज़ को आप वीडियो में विजुअलाइज करके देखें, या उसी चीज़ को आप अच्छे से पढ़ के अपनी ज़िंदगी से रिलेट करके पढ़ें, तो आप देखेंगे कैसे आपको इसमें मज़ा आने लगता है। हर चीज़ को समझें। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं, ये शॉर्टकट है जो हमारे जो सिलेबस बनाए गए हैं जीवन को सिखाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें, ये शॉर्टकट होता है। अगर इसको आप यूटिलाइज़ नहीं करते हैं स्कूल में, तो फिर ज़िंदगी में काफ़ी लोग होते हैं अनपढ़ गंवार होते हैं, फिर भी वो अंबानी और टाटा बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि ज़िंदगी उनको रगड़ रगड़ के सिखाती है। तो अगर आप भी वैसा बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा मौका है। आप ऐसा बनना चाहते हैं तो वो सही, मत पढ़िए अभी, आप इन्जॉय कीजिए, फ्रेंड्स के साथ बातें करिए, पार्टीज़ कीजिए, और जब फेल हो जाएंगे तो बोल देना कि मैं भी बिल गेट्स की तरह ड्रॉप आउट हूँ, और फिर पूरी ज़िंदगी रगड़ना, स्ट्रगल करना, और फिर अपनी एक बुक लिखना कि हाँ मैंने भी स्ट्रगल करके ज़िंदगी में कुछ हासिल किया। दोस्तों ये टोटली आपकी चॉइस है। अगर आपको ज़िंदगी ने एक मौका दिया है, सिलेबस दिया है, उसको अपने रियल लाइफ से जोड़ें, रिलेट करें, और फिर एक एक टॉपिक को समझ कर पढ़ें। अगर डर ज़्यादा लगता है तो घबराना नहीं है। माता सरस्वती बैठी हैं, उनको अपनी स्टडी रूम में या टेबल पर माता सरस्वती का या माँ दुर्गा का एक चित्र लगा लें, और पढ़ने के बैठने के पहले माता के समक्ष कपूर का एक दीपक जलाएं, और फिर 3 अगरबत्ती ले लीजिए, उसको हाथ जलाकर जोड़कर माता से प्रार्थना करें। मंत्र बोल सकते हैं तो एक मंत्र बता देती हूँ, गुप्त मंत्र है सरस्वती माता का, वो बोले, शारदाय नमस्तुभ्यम मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायाम सम उत्तीर्णम सर्व विषय नाम यथा। यही नहीं बोल सकते तो सिर्फ जय सरस्वती माता की जय, जोर से बोले और पढ़ाई शुरू कर दे। दोस्तों जो आप सीखना चाहते हैं उसके लिए नाकामयाबी या कामयाबी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस कोशिश की बात होती है। किसी को वो एक दिन में समझ आ सकता है, हो सकता है एक ही टॉपिक आपके फ्रेंड को 4 दिन में समझ आए, आपको 2 दिन में समझ आए, किसी और को 10 दिन लग सकते हैं, किसी को 100 दिन भी लग सकते हैं। इसलिए शांति से पढ़ें, बस कोशिश करने की बात है। अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा सीखने में तो लगातार कोशिश करेंगे, आप काबिल होकर के ज़रूर सीखेंगे। विष्णु बने, विष्णु मतलब हार्डवर्क करें। कृपा अपनी याददाश्त को सुधारने की कोशिश ना करें, आपकी याददाश्त ऑलरेडी तेज है, ये आप समझ लें। और अगर आप स्कूल इसलिए नहीं गए कि सिर्फ चीज़ों को रट करके अपने जीवन के क्षितिज का विस्तार करें, आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, कम समय में ज़्यादा एक्सपीरियंस पाने के लिए स्कूल भेजा गया है या कॉलेज भेजा गया है, आपको अपने चारों ओर के इस अस्तित्व के बारे में जो जानना है, समझना है, इन सब को छोटा बना करके आपके जीवन में सिलेबस के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। इसको आप पढ़ें और हमारे जीवन के ये अलग अलग टुकड़े हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में उतार लें। अपनी पढ़ाई की गुणवत्ता को समझें। ऐसा भी नहीं है, कई जगह मैंने सुना है कि टीचर्स ही बोलते हैं कि बच्चे चीटिंग करके पास हो जाएंगे। जीवन को छल से शुरू ना करें। कोई आपको अगर बोलता भी है कि आप चीटिंग करिए, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, मैं ईमानदारी की बात नहीं कर रही हूँ, ये कह रही हूँ कि जीवन के साथ सीधा और सरल रहना सीखें, ताकि कल जब आपके पास बड़ी बड़ी मुसीबतें आएँ तो आप परेशान ना हो जाएँ।
भिक्षा मांग पा करके भी अगर आपके अंदर जीवन में ये संतोष है कि मैं ऐसी ही हूँ या मैं ऐसा ही हूँ, मुझे सिर्फ 35 अंक मिले, ठीक है, लेकिन मैंने ईमानदारी से इसको पाया, ये आपके जीवन की गुणवत्ता को तय करते हैं। इसलिए इस बात को समझें कि जीवन में गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होगी कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, बल्कि कितने मार्क्स आपने ईमानदारी से जीवन में जीते हैं। इसलिए कभी भी चीटिंग ना करें। खुशी खुशी बैठिए, बाहर आ जाइए, थोड़ा योग कीजिए, अपने जीवन को लंबा कीजिए और सीखने के लिए एक और साल आपको मिल जाएगा। रास्ता निकालें, छोटे छोटे उपाय मैं बताती हूँ, उसको करें। पढ़ने के पहले ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ लें। रूम में ग्रीन कलर एक वॉल पे करें। ग्रीन कलर आपको यूज़ करना ही चाहिए अपने रूम में। जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे बोर्ड पे लगाएं, चाहे आप बड़ा सा सर्कल ले आएं, चाहे आप विंडो पे, अगर आप पीजी में रहते हैं तो अपनी विंडो की जो ग्लासेस हैं उसको ढकने के लिए आप ग्रीन कलर के चार्ट पेपर्स लगा सकते हैं। आप देखेंगे ग्रीन यूज़ करना है, बस यूज़ ग्रीन, दैट्स इट। पढ़ने बैठेंगे तो मम्मी पापा या किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ़ोन, कंप्यूटर, अपने गैजेट्स हैं उनको दूर रखें। ये अभी आपको मज़ा दे रहे हैं पर ये क्या करेंगे, अल्टीमेटली आपकी लाइफ को बर्बाद करेंगे और पैसे मांग के घर चलाने के मुकाम तक आपको पहुँचा देंगे। अगर लगता है कि आपको एडिक्शन हो गया है या शौक है, जो कि यूजुअली आजकल सबको हो गया है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप अकेले नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये है। लेकिन क्या करना है, इस शौक को एक पॉजिटिव वे में आपको घुमा देना है। कैसे करेंगे, आप एक ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप पे और दोस्तों को इन्वॉल्व करके जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसको डिस्कस कीजिए। बेस्ट होगा कि ग्रुप स्टडीज कीजिए। अगर लोकल के आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ मिलके उनको घर पे बुलाइए, चैटिंग कीजिए, चाय पीजिए और साथ साथ आप ग्रुप डिस्कशंस करके पढ़ाई कीजिए। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में आपको सक्सेस जरूर मिलती है। लगातार पढ़ाई करने के बाद 30 मिनट का ब्रेक बेहद जरूरी होता है, इसलिए परीक्षा के दौरान अपने ब्रेक का भी ध्यान रखें, अपने डाइट का ध्यान रखें। दूध, छाछ, जूस, नारियल पानी, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लें। नाश्ते में दलिया, ओट्स, कॉर्न जैसी चीज़ें शामिल करें। बादाम याददाश्त के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा अखरोट, काजू आदि खाएं और एग्जाम्स के पहले 5 दिन पहले से ही बच्चों को या स्टूडेंट्स को हमेशा मीठा दही ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपको सर्दी, खांसी या एलर्जी ना हो तो इसको फिर इग्नोर करें, उसमें समय परिवर्तन करें। मीठा दही का एक नियम होता है, एक ज़बरदस्त टोटका बता रही हूँ आपको। एक दिन सुबह 8 बजे बच्चे को दही दें, अगले दिन 9 बजे, उसके अगले दिन 10 बजे, उसके अगले दिन 11 बजे। इस क्रिया को दोहराते रहें और प्रतिदिन 1 घंटा बढ़ाते रहें। और परीक्षा के दिन जब घर से बच्चा निकले तो दही और मीठा उसको ज़रूर खिला करके आपको एग्ज़ाम में भेजना चाहिए। परीक्षा के दिन घर से निकलते समय दाई मुट्ठी में थोड़ी सी पीली सरसों ले लें और उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार करके सीधी दिशा में वारना है, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में वारना है और मेन गेट से निकलने के बाद दोनों तरफ उसको डाल दें। ध्यान रखें इसके बाद आपको मुड़कर नहीं देखना है। पीली सरसों को जब आप अपने सिर से वारेंगे तो ध्यान रखें उस समय अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर करें। इसी तरह से जब परीक्षा देने जाएंगे तो 2 पत्ते तुलसी के मुख में रख लें, दाहिना पैर घर से पहले बाहर निकालें, एग्जाम रूम में जाने के समय दाहिना पांव पहले अंदर करें। एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पेपर देखकर घबराएं नहीं, बल्कि जो सवाल अच्छे से आते हैं उनका जवाब पहले लिखें, बाकी एक एक करके अटेम्प्ट करें। ध्यान रखें अहम ब्रह्मास्मि, इसके लिए जो दूसरा वीडियो मैंने दिया हुआ है बच्चे खास वो ज़रूर सुने, और जो भी माता पिता मुझे सुन रहे हैं वो प्लीज़ इस बात क्यों सुने, सॉरी फॉर दिस, लेकिन बच्चे आपकी जागीर नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, उनका अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए यूज ना करें। उनको अच्छे संस्कार दें ताकि वो अपना आपका नाम कहीं खराब ना करें, वो एक अलग आत्मा है, इस बात को समझें। उनके कर्तव्य अलग हैं, उनको गाइड करें जैसे आपके माता पिता ने आपको गाइड किया। दोस्त बनकर गाइड करें, एक अच्छी आत्मा बनकर के गाइड करें, बाकी का काम वो खुद कर लेंगे, क्योंकि बच्चों को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो इस जीवन में क्यों आए हैं उनका भी एक अपना ध्येय होता है। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं ध्यान दें, अपनी याददाश्त की चिंता ना करें, जो आप जानते हैं आप वही करेंगे, जो आप नहीं जानते वो आप नहीं कर पाएंगे, उसको करने की कोशिश ना करें। आप कितना याद रखते हैं ये अहम बात नहीं है, आप कितनी समझदारी से, कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी काबिलियत से अपने जीवन को जीते हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो विष्णु बने और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों को ये बताएं कि विष्णु बने एंड अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूं। इस जोश के साथ आगे बढ़ें तो कभी भी जीवन में डर आपको लगेगा ही नहीं।
करते रहें दोस्तों ये उपाय और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से शेयर करें ताकि सभी लोग इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। छह माता दी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज के थ्रू कनेक्टेड रह सकें। टेक केयर। छह माता दी। पम पम भोलेनाथ की।